संक्रांति का अगर हम खगोल शास्त्र के हिसाब से देखें तो सूर्य नारायण देवता उत्तरायण पे आते हैं। हमारे यहाँ ऐसे मान्यता है कि मल मास के बाद मांगलिक कार्य होता है, तो मांगलिक कार्य भी आज से प्रारंभ हो जाते हैं। गुड़ तिल क्यों खाते हैं, एक लंबी कहानी है पर मेरे पास समय कम है। पर विज्ञान में डॉक्टर नीमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस सीजन के अंदर स्किन ड्राई हो जाती है, तिल के अंदर तेल होता है, तेल खाने से स्किन ड्राई नहीं होती और इसलिए तिल्ली खाना चाहिए इस समय के अंदर, तो ऐसी मान्यता है। तो हमारे यहाँ जो भी त्यौहार आता है उसके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक महत्व जरूर रहता है। आजकल के बच्चे इस प्रकार के त्यौहार नहीं मनाते हैं पर मनाना चाहिए उनको। एक बड़ा अच्छा डायलॉग है एक फिल्म का अमिताभ बच्चन की थी, उसमें दूसरा साइड हीरो का नाम भूल गए, वो पतंग उड़ाता है, पतंग उड़ाते उड़ाते कहते हैं कि क्या भाई तुम पतंग क्यों उड़ाते हो, बोले तो कभी कभी लगता है मुझे कि ऊपर वालों की डोर भी मेरे हाथ में जब मैं पतंग उड़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले की डोर मेरे हाथ में। तो ये तो एक पिक्चर का डायलॉग था, मैं नाम पिक्चर का नाम भूल गया हूँ मैं, पर ये पतंग उड़ाना, पेंच लड़ाना, पेंच लड़ाना तो काटना, अपनी कट जाए तो ज़्यादा दुख नहीं होना, तो काटना और कटना, अब आजकल तो दूसरी जगह काटना है, राजनीति में तो काटने लग गए। अभी महापौर जी ने दो अच्छे बड़े आयोजन किए, चाहे वो NRI सम्मेलन हो चाहे बिजनेस सम्मेलन हो, इंदौर को एकदम सजा रहा संवारा और खूबसूरत शहर बनाया, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां और उसका प्रमाण पत्र देश के प्रधानमंत्री को मिल गया। नहीं बहुत अच्छा त्यौहार है ये, मंच के पास में एक पतंग तैयार इधर लेके आए आशीष परवाल जी। हमारे त्यौहारों में उसका धार्मिक महत्व भी और वैज्ञानिक महत्व भी है, पर नई पीढ़ी इस प्रकार के त्यौहारों से जुड़ती नहीं है। ये अच्छा प्रयास है महापौर जी का कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन किया है, उसमें भारतीय खेल भी खेले जाएंगे और इस त्यौहार का महत्व तिल लड्डू गुल्ली डंडा सितोलिया ये सब यहाँ पर खेलने वाले हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत राजनीति को पतंग की बात की, अरे छोड़ यार अब तू राजनीति की बात के परंपरागत खेल आओ आओ आप भी आइए। परंपरागत खेल चाहे गुल्ली डंडा हो, कबड्डी हो, अंटी हो, पतंगबाजी हो, या उत्साह और उल्लास के समर्थक हैं, सभी साइंटिफिक गेम्स हैं और ये समय जब ऋतु परिवर्तन है, दिन तिल तिल के समान आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में सभी लोगों में उत्साह रहे, आनंद रहे, मकर संक्रांति नए जोश का पर्व है, तो जोश के साथ सब खेल खेल रहे हैं। किसी मामा विधानसभा चुनाव में ऐसे में बीजेपी की सियासी पतंग कितनी ऊँचाई भरेगी? 2023 में मध्य प्रदेश में भाजपा की पतंग सातवें आसमान पर रहेगी, उसी प्रकार से इंदौर भी स्वच्छता में सातवां आसमान छुएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।